गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं एज हिस्ट्री क्लास सिक्स चैप्टर टू पार्ट वन आरंभिक मानव की खोज में। लेसन है हमारा आरंभिक मानव की खोज में, आरंभ में मानव की खोज कैसे हुई, यानी हमें पता कैसे चला कि हमें मानव ने इस समय पे जन्म ले लिया था, यानी उत्थान कैसे हुआ। जैसा कि हम इसको जोड़ते हैं अपनी ज्योग्राफी के साथ के पहले पृथ्वी का निर्माण हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पृथ्वी का निर्माण या ग्रह ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ होगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारी जो स्थल मंडल है जिस पर हम निवास करते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, हमारे वायुमंडल जो हमारे चारों ओर से घेरे हुए हैं उसका निर्माण कैसे हुआ जिसमें हम सांस लेते हैं, और जल का निर्माण कैसे हुआ जिस जो हम पानी पीते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आरंभ में हमारी पृथ्वी का उत्पादन नहीं हुआ था, उस समय पर हमारे सौरमंडल भी नहीं था, ब्रह्मांड के अंदर केवल हीलियम और हाइड्रोजन गैस थी, और जो धूल कण है जलवाष्प है गैसे हैं ये अन्य तत्व थे हीलियम और हाइड्रोजन के, इनकी मात्रा अधिक थी। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आए तो एक बवंडर की भांति घूमने लगे, घूमते घूमते ये एक आग का गोला बन गए, और आग का गोला बनकर बाहर ये धूल कण जलवाष्प अन्य गैसों को अपने ओर आकर्षित करने लगे। आकर्षित करने के बाद एक बाहरी विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के दौरान ये छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गए, जो ग्रह बने, जो और महीन छोटे कण थे जो इन बड़े गोलकों के चारों ओर चक्कर लगाते थे वो उपग्रह बने, और जो और भी महीन थे जिन जो समूह में थे वो क्षुद्र ग्रह बने, और जो क्षुद्र ग्रह आपस में टकराकर और महीन हो जाते वो उल्का पिंड बने। इस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रह पहले आरंभ में लिक्विड तौर पर थे, गैसीय आवरण था उनका, लेकिन सूर्य के जो बड़ा भाग था जो झटक कर अलग हुए थे वो ग्रह बने, और जो बड़ा भाग था वो बना आपका सूर्य। सूर्य एक तारा है, आकाश गंगा में विभिन्न तारे हैं तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ तक अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं तो कह सकते हैं कि सूर्य और भी हो सकते हैं, और भी सौरमंडल हो सकते हैं। तो पृथ्वी का निर्माण हो गया, तो जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस थी ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तो जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस थी वो हमारे सूर्य ने उनको दूर धकेल दिया यानी छिटक दिया। अब हमारे ब्रह्मांड में ग्रेविटी की कमी हो गई, ग्रेविटी नहीं रही, और ब्रह्मांड में जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती है तो वो उसी गति से दोलन करती है जिस गति से वो टकराती है, तो ना तो ग्रेविटी है ना वायुमंडल है ना विभिन्न गैसें हैं जो हमें जीवन प्रदान करती हैं, ऑक्सीजन वगैरह कोई भी ऐसी एटमॉस्फेयर में नहीं है, वहाँ पर केवल क्या है धूल कण है जलवाष्प है क्षुद्र ग्रह है उल्का पिंड है इत्यादि है। तो अब पृथ्वी का निर्माण तो हो गया, लेकिन पृथ्वी पर स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ। जो हमारे पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य और शुक्र ग्रहों की पट्टी के मध्य ग्रह पाए जाते हैं उन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, उनका धरातल ठोस होता है कठोर होता है। तो वहां से सूर्य ने उनके जो गैसीय आवरण था जो तरलीय पदार्थ था उसको ग्रेविटी के द्वारा सोख लिया अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो इस तरीके से जो हमारे पृथ्वी की दूसरा जो कठोर भाव था जैसे निकल लोहा अन्य खनिज वो तो हमारे करोड़ में इकट्ठा होते चले गए, लेकिन जो लिक्विड था वो इस करोड़ के चारों ओर फैल गया, और जो महीन कण थे छोटे कण थे वो हमारे धारण कर दिया। तो इस तरीके से हमारे स्थल मंडल का निर्माण हुआ तथा अन्य ग्रहों पर भी इसी तरीके से स्थल मंडल का निर्माण हुआ। अब बात आती है
जैसे हमारे वायुमंडल का निर्माण एकदम से नहीं हुआ, कुछ समय लगा उसको, कुछ क्या अत्यधिक समय लगा, लगभग 4 करोड़ वर्ष से ज्यादा उसको बनने में समय लगा। पहले कुछ नहीं था, ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ मात्रा में, ये सभी जैसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में विद्यमान थी। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आई तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिली तो हमारे जल का निर्माण हुआ। धीरे धीरे सूर्य ने इन विभिन्न गैसों की मात्रा नियंत्रित की और हमारे वायुमंडल, हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल का तथा जल मंडल का निर्माण हुआ और इस तरीके से हमारे जीवन, सॉरी, पृथ्वी पर इन तीनों मंडलों के मिलने से जीवन का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से एक अणु का निर्माण हुआ और एक अणु से दूसरे अणु का, जो आप आज शैवाल यानी काई देखते हो पानी के अंदर ग्रीन कलर की, तो वो भी एक अणु से उसका निर्माण हुआ है। धीरे धीरे ये अणु बढ़ते चले गए और एक जीवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि जल के अंदर ही जीवन की सबसे पहले उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे ये जलीय जीवों से स्थलीय जीव में परिवर्तित हुए, स्थलीय जीव से मानव, मनुष्य में, मनुष्य से, फिर धीरे धीरे इनके अंदर चेंजेस आते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष बाद उन्होंने मानव पर धारण किया। उस दौरान ये जंगलों में रहते थे। तो आते हैं हम आरंभिक मानव पर। आरंभिक मानव के विषय में आज हम आरंभिक मानव को शिकारी, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। वह जानवरों को मारकर तथा पेड़ पौधों और फलों को खाकर अपना पेट भरता था। यानी प्राचीन काल में जो मानव होता था वो किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करता था, खाद्य पदार्थ यानी शिकार कर कर वो पशुओं का शिकार करना सीख गया। उसने पत्थरों के बेढंगे औजार बनाए जिससे वो उनका शिकार करता था। और पहले वो आग का शिकार करना नहीं जानता था, तो धीरे धीरे उसने कच्चे मांस को खाना शुरू किया। अपने कुछ भी वो फल फ्रूट अगर उसको दिखते तो वो खाता, तो उनका टेस्ट देखता, अगर अच्छा लगता तो खाता, नहीं लगता तो उसको खा ही नहीं। इस तरीके से उसके बीज वगैरह से वो और ज़्यादा उन फलों की, उन वृक्षों की, उन खाद्य संग्राहकों की उत्पत्ति बढ़ती गई। नेक्स्ट है आपका औजार। औजार जैसे कि मैंने आपको बताया, वो अपनी रक्षा करने के लिए उन औजारों का निर्माण करता था, उन औजारों के द्वारा वो शिकार करता था। तो इस तरीके से जो प्राचीन काल के औजार होते थे वो पत्थरों के होते थे और उन पत्थरों के औजार बेढंगे होते थे। नेक्स्ट है आपका पुरा स्तर। पुरा स्तर के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो पुरा स्तर नदियों और झीलों के किनारों पाए जाते थे। यहाँ शिकारी खाद्य संग्रह मानव रहता था, यानी नदियों के पास शिकारी रहता था क्योंकि उनको वहां से जल की प्राप्ति हो जाती थी और शिकार भी आसानी से वहां पर उसको अवेलेबल हो जाता था। तो इसलिए वो नदियों के पास अपना बसाव था, या तो पेड़ों पर रहता था या गुफाओं के अंदर रहता था। तो आरंभिक मानव औजार और प्रायस्तर, इनके विषय में आज हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में ही हम विस्तार से